यूरोप फाइबरमा में ठंडी चीज खाने के लिए बोला जाता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में लोग सोचते हैं कि उनको दही खाना है, लेकिन दही की तासीर जो होती है वो ठंडी ही होती है। लेकिन मैं दही के लिए आपको मना कर देता हूं कि दही आपको नहीं खाना है। दोस्तों, आपको न्यूरोफाइब्रोमा के इलाज में खट्टा खाने के लिए भी मना किया जाता है, और दही की जो तासीर होती है वो ठंडी और खट्टी होती है। इसको खाने से बॉडी में एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ती है, अम्ल की मात्रा ज्यादा बढ़ती है, इसलिए आपको डेली दही नहीं खाना है। दही अगर आप डेली खाएंगे तो आपकी बॉडी में अम्ल ज्यादा बढ़ेगा, खटास ज्यादा बढ़ेगी, एसिडिटी ज्यादा बढ़ेगी, और एसिड ज्यादा बढ़ेगा तो एसिड का सबसे ज्यादा प्रभाव जो होता है वो स्किन के ऊपर ही होता है। आपने देखा होगा कि हम खट्टा खाते हैं तो हमको पिंपल होने लगते हैं, खुजली होने लगती है, या हमारा घाव पकने लगता है। तो इसीलिए न्यूरोफाइब्रोमा में खट्टा खाने के लिए मना कर दिया जाता है, क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा जो बीमारी है वो स्किन के ऊपर नर्व की बीमारी है। स्किन के ऊपर जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उसके ऊपर सिस्ट पैदा जो होता है उसको न्यूरोफाइब्रोमा बोला जाता है। लेकिन जब हम खट्टा खाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो होता है वो स्किन के ऊपर ही होने लगता है, तो खट्टा खाने के लिए इसलिए मना भी कर दिया जाता है। और आप दही अगर आप डेली खाएंगे तो आपकी बॉडी में अम्लता ज्यादा बढ़ेगी, एसिडिटी ज्यादा बढ़ेगी, तो आपको दही रोज नहीं खाना है। दही की तासीर ठंडी भी होती है, अगर आप इसको हफ्ते में एक बार खा लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये ठंडा करने का डाइजेशन का काम करेगा। लेकिन अगर आप डेली दही खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको दही डेली खाने के लिए मना किया जाता है। हफ्ते में एक बार आप दही खाएंगे, और वो भी दोपहर को खाएंगे, सुबह नहीं खाएंगे, क्योंकि सुबह जो खाली पेट दबा ली जाती है उसके बाद कोई भी खट्टा खाना नहीं खाया जाता है। तो आप सुबह नाश्ता में दूध रोटी ले सकते हैं, प्लेन दाल रोटी ले सकते हैं, और दही अगर खाना चाहते हैं तो दोपहर के खाना में आप दही ले सकते हैं, दही में आप शुगर भी डाल सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि न्यूरोफाइब्रोमा में आपको दही नहीं खाना है, गर्मियों में भी नहीं खाना है और सर्दियों में भी नहीं खाना है। इन चीजों का आपको ध्यान